हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और रक्षाबंधन तो बीत गया, कैसे मना आप सबको? सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे मैंने तो आप लोगों को विश कर दी थी, कम्युनिटी पोस्ट कर दी थी, है ना, और एक शॉर्ट भी डाली थी। बट क्या किया जाए, है ना, हर बार की तरह यही प्रॉब्लम, व्यूज नहीं आते। यहाँ पे बहुत दिन का रुका हुआ काम मैं पूरा कर पाई। बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा था ये काम, मंदिर को सेट करना, जो मैं इसे पोछ कर अच्छे से साफ कर कर सेट कर दी थी यहाँ पे, और सारे भगवान जी को भी साफ़ कर दी थी, सही से स्नान करा दी थी गंगा जल मिला कर, फिर गंगा जल से इसे साफ की थी सेट करके। और ये देखिए, बाहर का मौसम बहुत ख़राब है। कौन सा ख़राब है? बारिश वाला नहीं, क्या बोलते वो, ये देखिए, ये गेरू है, मतलब धूप जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसने इसमें गोबर को, इसमें मिट्टी को मिलाकर, और आज मेरी दीदी जो है, मेरी ननद आई हुई हैं, तो इस घर को, मिट्टी के घर को टाइल्स वाला घर बना देंगी। टाइल्स जैसा कहा जाता है ना, जैसे बड़े बड़े घरों में रहता है टाइल्स मार्बल, वैसा ही मेरा भी घर रहेगा। कम नहीं लगता है ना, मिट्टी का घर अपना होता है, मिट्टी का हो या पक्का हो, किसी तरह से अगर सजा कर रखो तो वही घर सुंदर लगते हैं, है ना। तो मुझे तो लिपने आता नहीं है, तो मैं वही दीदी को बोली थी जब वो आई, तो कि दीदी यहाँ पे लिप दीजिए मेरे अंगना को, तो ये सब हटाऊंगी, यहाँ पे सब साफ करूंगी। अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से था। ये बाबू यहाँ पे बुगू मोगली देख रहा था, मोगली का दीवाना हो चुका है। जब भी मोगली चलता है ना, रिमोट ना इधर से उधर, दम ध्यान कंसंट्रेट करके रखता है। और इसके बाद ये देखिए, मेरा समर लगा हुआ, अभी ही तो लगाई थी, और बता नहीं क्यों बार बार बोर्ड जल जा रहे हैं। तो क्यों जल रहे हैं मुझे तो नहीं पता, बट गारंटी में था, 2 साल का गारंटी है। तो ये अभी वापस जाके बनवाएं, मिस्त्री बुलवा कर, तो पानी सही आ रहा है। उसके बाद इस वीडियो में जो है ना, ये फर्स्ट बार हुआ। इसके बाद 2-3 बार बोर्ड ऐसे जला, 2-3 बार नया नया बोर्ड आया। तो पता नहीं, हम लोग तो कभी समर यूज नहीं किए थे, है ना, जो यूज करता है उसे ना पता चलता है। मेरे हस्बैंड जी को तो और समझ नहीं आया था कुछ भी। तो कोई कोई कितने लोग पैसे ले लेते हैं और जैसे तैसे सामान भी लो क्वालिटी के देते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे ना, दीदी लिख रही थी, तो इधर ना ससुराल में कुछ अलग ढंग से सब लिपती हैं। हम लोग तो गोबर बाल्टी में डाल के पानी और झाड़ू से लगा देते थे, और यहाँ नहीं, यहाँ हाथ से ही लिपा जाता है। गोबर और जो मिट्टी था ना, लाल 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 मिट्टी को इधर सब गेर गेरू कहते हैं, गेर हमें उतना बोलना भी नहीं आता। ये देखिए, मैं इधर साफ़ कर दी थी, इधर कभी हटाना था। तो दोनों फुआ भतीजी, बुबू भतीजी मिलकर बेचारी लिप दी, मेरी बेटी नहीं लिपी, उसे लिपने नहीं आता, तो बुआ मना कर दी नहीं लिपना, वही लिप रही थी। ये देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड कर रही थी, क्लिप लिए जा रही थी। रक्षाबंधन था तो पर्व त्यौहार में घर ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अपने तरफ भी लिपवाई, फिर दीदी खुद से जेठानी की तरफ भी लिप दी। तो अच्छा लगता है ना, पर्व त्यौहार में आप लोग कैसे मनाएं बताइएगा। ये देखिए, कुछ बस थोड़ा सा बाकी था, मेरा अंगना पूरा होने वाला था। तो ये देखिए, अच्छा लग रहा है मुझे ना, जिस दिन लिपा रहा था मैं बहुत देख देख के खुश हो रही थी, अच्छा लग रहा था। ऐसे ही हाथ से लिपते हैं यहाँ लोग, तो यहाँ हर जगह ऐसे ही लिपाता है हाथ से। हम तो सोचते हैं कैसे लिप लेते हैं, हाथ में कंकड़ उंकड़ है ना, चुभता है, कैसे होता है, बट इन लोग का आदत है, हो जाता है। मेरा सारा घर टूटा हुआ है, क्या करूं। है ना। और आज मेरा ब्लॉग 4-5 दिन पर जा रहा, अब मन नहीं करता एडिटिंग करने का, क्योंकि व्यूज आते नहीं, परेशान हो जाती हूँ। और बाबू यहाँ पे अलग परेशान करते रहता है, उससे मिट्टी 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 लगता है, तो बहुत कहता है मम्मी मिट्टी छिछी। वो गाड़ी लेके देखिए, उसे ना हटाओ, भांजा है, एक भांजा एक भांजी ऐसे आई हैं, और यहाँ पे वो मना करते रहता, छूने ही नहीं देता किसी को।
तो ये देखिए पूरी तरह से मेरा टाइल्स जैसा घर हो गया। देखिए कितना सुंदर अब लगने लगा, पहले यही अजब लग रहा था खंडहर जैसा, आ गया तो बहुत सुंदर लगने लगा। तो है ना, टाइल्स मार्बल से कम नहीं, टाइल्स जैसा हो गया मेरा भी घर। इधर भी दीदी ली पे रही थी, तो ये जेठानी का है, ये मेरी इधर मेरी जेठानी रहती हैं, बट वो अभी तक है नहीं। पता नहीं आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा छाला का प्रॉब्लम भी ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं कहाँ से इतना छाला आ जा रहा है, क्यों आ रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, ये ना साड़ी मैं लेकर, तो जहाँ रहती थी पहले रेंट पर, वहाँ से मैं लेकर आई थी, वहीं से खरीद ली थी। आप लोग को दिखाई भी थी एक दो बार, आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे। तो इसमें से मैं दीदी को ननद को अपनी दिखा रही थी कि जो आपको पसंद है वो ले लीजिए। तो ये रेड वाला चूज की, तो मैं उसको ब्लाउज सिलवा दी और जब जाएंगी तो वही पहन कर जाएंगी, है ना। क्योंकि ऐसे देती थी तो ऐसे हमेशा लेकर जाती थी, लेकिन अब इस बार मैं पहना कर भेजूँगी, अच्छा लगता है। और ये साड़ी, तो इसमें तीन साड़ी और है, तो इसमें से एक साड़ी कल कोई आए ना मांगने कि बाबू हुआ है बेटा हुआ है, तो हमें साड़ी नहीं पहनाई थी, तो फिर उनको दे दी। इतना मना कि अभी सिंदूर बिंदी सब लगा कर दूँगी, तो बोली नहीं बस पैसे उस पर डाल दो कुछ, मैं ले लूँगी। तो उसे दे दी, दो बार आ चुकी थी तो मैं फिर दे दी उनको भी एक साड़ी पिंक वाली। तो देखिए अच्छा लग रहा है, ये रेड वाली साड़ी अच्छी लग रही। बेटी कह रही मम्मी तुम पहनो, हम जाने दो बुआ के, दे दो बुआ पहनेंगे। और हो चुका था शाम, यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी आलू की सब्जी, चावल उधर चढ़ा हुआ था, और भिंडी की भुजिया, धनिया के पत्ता की चटनी, यही बनाने जा रही थी। और एक बार बता देती हूँ मैं आप लोगों को, मेरा ये ब्लॉग 2-3 दिन का शूट किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा। तो आप लोगों को अगर जरा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना, सोशल मीडिया से कनेक्टेड होंगे तो वहाँ भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत कर रही हूँ, इतने दिन हो गए, मन करता है नहीं करूँ नहीं करूँ, नहीं अब ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। सोचती हूँ जाने दो, कभी ना कभी तो सक्सेस में भी होंगी। तो यहाँ बाबू का जो कपड़ा था ना, सारे कपड़े में कीड़े हो गए थे छोटे छोटे, तो वो धूप में निकाल दी थी। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही तक, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए मस्त रहिए। सारे अलमारी को बेटी साफ करके सजा दी थी, और आप भी अपने घर को सजाते रहिए। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही तक रहेगा, और मैं अभी सारा खाना खुना छोड़ कर बैठी हूँ बस एडिटिंग करने की। आज 4-5 दिन, 6ठा दिन होने वाला है ब्लॉग का, तो मेरा कुछ ब्लॉग चला जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। भले कुछ हो या ना हो, भी जाए ना, काम करते जाओ, फल की चिंता मत कर रहा ही, है ना। तो बस मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।